हेलो, सलाम अलैकुम बीबी जी। अब निमल बीबी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। अभी हम हॉस्पिटल से भाई के घर ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा बीबी जी, अगर मेरी और रूही की जरूरत हो तो हम लोग आ जाएं। नहीं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे भी नमल इस हालत में है, किसी से मिल नहीं पाएगी। बेहतर हो जाती है तो आप लोग जरूर चक्कर लगा लेना। जी बेहतर। बाकी सब घर में ठीक है? जी जी बीबी जी, सब खैरियत है। आप ना निमल बीबी को मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ, आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह पाक, निमल बीबी को सेहत और जिंदगी अता फरमाना, सलामत रखना। मैं आपको आपकी कॉफी देने आ रही थी। थैंक यू। कुछ और चाहिए भाई आपको? नहीं। अनिशा, तुमने इतने दिनों इस घर का और निमल का बहुत ख्याल रखा। मैं अब चाहता हूं कि अपने घर जाकर तुम मुराद का ख्याल रखो, वरना उसकी परेशानी तुम्हें यहां परेशान करती रहेगी। और निमल? उसका मैं ख्याल रखूंगा। आप ख्याल रखेंगे? कैसे रखेंगे आप ख्याल? वैसे ही जैसे एक अच्छा शोहर ऐसे वक्त में अपनी जानसार बीवी का ख्याल रखता है। ठीक है भाई, लेकिन अगर आपको जरा से भी कोई परेशानी हुई तो आप हमें बताएंगे, मैं और मुराद फौरन पहुंच जाएंगे। ठीक है, जाते वक्त अपने मुन्ने को साथ ले जाना। ये मत सोचना कि हुसैफा के खो जाने के बाद मैंने अपना इरादा बदल लिया होगा। आप ये क्या कह रहे हैं? वो मेरा बच्चा नहीं है, वो निमल का बच्चा है। अगर तकदीर ने हुज़ैफ़ा को निमल से ना छीना होता तो मैं उसे जरूर ले जाती। क्या निमल को देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पूरे होशो हवास में इस बच्चे को संभाल सकेगी? नहीं कर सकेगी अनिशा। भाई आप हैं ना, आप संभालेंगे उस बच्चे को, निमल को, आप मदद करेंगे निमल की। कैसे है अनिशा? भी वो जरा भी स्टेबल नहीं है, तुम प्लीज बच्चे को अपने साथ ले जाओ। मैं समझ सकता हूँ निशा के तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। सच कहूं तो मैं खुद भी निमल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं उसे संभालूंगा या बच्चे को, तुम प्लीज मुझ पर एहसान करो और इस बच्चे को अपने साथ ले जाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो बच्चा तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। इसमें एहसान वाली क्या बात है? अगर मैं उसे संभालूंगी तो सिर्फ निमल का सोच रही हूँ। तुम अभी इस वक्त सिर्फ निमल के लिए दुआ करो। मैं जल्द से जल्द उसे ठीक देखना चाहता हूँ।